राहे मन की में आप सभी का पुनः स्वागत है। अंजलि अपने डॉक्टर को मिलने गई थी। मन बहुत बेचैन था और बार बार जीवन समाप्त करने के विचार आ रहे थे। डॉक्टर ने कहा, अंजलि क्या बात है? अंजलि रोते हुए कहने लगी कि डॉक्टर, जीवन से मेरा भरोसा उठ गया है, संबंधों में विश्वास ही नहीं है। अंजलि, आप खुलकर बताइए, आखिर बात क्या है? डॉक्टर ने थोड़ा जोर दिया। कुछ नहीं डॉक्टर, जिस रिलेशनशिप में मैं पिछले 5 वर्ष से हूँ, आज मेरा पार्टनर आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता। डॉक्टर बोले, अंजलि मैं जानता हूँ आप बहुत दर्द में हैं, लेकिन जीवन समाप्त करने के विचारों से हमारे प्रश्न का हल नहीं निकल सकता, तो मैं क्या करूँ? अंजलि झटपटा कर बोली, मेरे लिए हर पल सजा लग रही है, पूरा दिन सिर्फ रोना आता है और मेरा ध्यान कहीं नहीं है, मैं अपने वर्क पर भी फोकस नहीं कर पा रही हूँ, और तो और जिन्हें भी देखती हूँ हर कोई मुझे डाउटफुल नजर आने लगा है। डॉक्टर ने शांति से कहा, अंजलि इसको इमोशनल हाईजैक कहते हैं। इमोशनल हाईजैक मतलब? अंजलि ने पूछा। डॉक्टर ने कहा, जब हमारे तर्क से भावनाएं ज़्यादा हावी हो जाती हैं तो वह इमोशनल हाईजैक कहलाता है। अंजलि के चेहरे को देखकर डॉक्टर ने कहा, चलिए मैं थोड़ा सा आपको इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मानो कि अगर कोई इंसान मैं जैसा सोचूं वैसा अगर बर्ताव नहीं करता या मेरे हिसाब से कोई कार्य नहीं होता, तब मेरा गुस्सा कंट्रोल से बाहर चला जाता है, या तो फिर कोई इंसान या स्थान कभी भी नहीं बदलेगा, मतलब वो हमेशा एक जैसे रहेगा, इस भ्रम में रहना और जब भ्रम टूट जाए तो बहुत दुख में चले जाना, या तो डिप्रेशन में चले जाना, या तो कई बार इंसान डर से कहीं कम ना हो जाए, इस विचार से अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करना, यह सब इमोशनल हाईजैक ही तो कहेंगे। अगर हम अपनी भावनाओं को पहचान कर तर्क से बुद्धि को समझाएंगे तो पुराना भूलकर हम आगे बढ़ सकते हैं। अंजलि ने कहा, मेरे दर्द का जिम्मेदार मेरा पार्टनर है, मैं लॉजिकल या तर्क से समझ भी जाऊं तो भी मैं उसे माफ नहीं कर सकती। डॉक्टर ने हल्की सी मुस्कुराहट देते हुए कहा कि उसने धोखा दिया, यह उसकी एक्सटर्नल एक्शन है, वह कभी भी नहीं बदलेगा, मतलब वह इंसान हमेशा एक जैसा रहेगा, यह आपकी मान्यता थी और इसी कंडीशन से आपने उसे प्यार किया, इसीलिए बार बार उसे याद कर करके आप दर्द मन में क्रिएट कर रही हैं, यह आपकी चॉइस है। उसे माफ़ नहीं करना यह चूज करते हुए आप अपने मन को बार बार अशांत कर रही हैं, तो आप निर्णय लीजिए कि इन्हीं विचारों के साथ आपको जीना है या फिर आगे बढ़ना है। डॉक्टर के शांत चेहरे को देख कर, अंजलि को बात तो जच रही थी, लेकिन बरसों से मन में जो धारणाएं थी उसे कैसे बदले? कुछ देर रुककर उसने कहा, ओके डॉक्टर, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन कैसे बढ़ूँ मैं नहीं जानती, आप बताइए। तब डॉक्टर ने बड़ी धैर्यता से कहा, आज आपने आगे बढ़ने का जो निर्णय लिया है, इसका मतलब ही आप अपनी पुरानी धारणाओं को चैलेंज कर रही हैं, यह आपका पहला कदम है जो आपने आज उठा ही लिया है, और अगले वक्त मन जब दुखी हो तो तुरंत खुश रहने का निर्णय लेना उसी वक्त, यह आपका दूसरा कदम होगा। बस इसी तरह से आप कदम बढ़ाते चलिए और देखिए जीवन कैसे बदल जाता है, और अगर कुछ डाउट हो तो मैं आपको मदद करने के लिए हूँ ही। अंजलि ने बड़े ही आत्मविश्वास से अपने जीवन को समाप्त करने के विचार को छोड़ते हुए नए रास्तों की तलाश में मुस्कुराते हुए क्लिनिक से बाहर निकली। एक नई कहानी से जीवन के सत्य को समझने की कोशिश करेंगे फिर से अगले हफ्ते। आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, और हाँ, इस हफ्ते का मेडिटेशन आप ज़रूर एंजॉय कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर हफ्ते सूदिंग मेडिटेशन और राही मन के द्वारा जीवन के सत्य से हम रूबरी होते रहेंगे। थैंक यू।